नमस्कार, सच को हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की टॉप 10 बड़ी खबरों पर। चीन की राजधानी बीजिंग के अस्पताल में लगी भयंकर आग। हादसे में 29 लोगों की दर्दनाक मौत। जान बचाने के लिए बेडशीट के सहारे खिड़की से कूदे लोग। रेस्क्यू टीम ने 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 71 लोगों की बचाई जान। दुनिया में अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना भारत। यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में आया सामने, भारत में अब चीन के मुकाबले 30 लाख लोग ज्यादा। आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 46 लाख वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख के करीब पहुंची। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले। पिछले 24 घंटों में 10,542 नए मरीज आए सामने। 38 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। इस साल में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा। कोरोना एक्टिव केस के आंकड़े बढ़कर 63,562 के करीब पहुंचे। देश के 10 राज्यों में तापमान पिछले 24 घंटों में 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक चलेगी हीटवेव। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश के आसार। हरियाणा, राजस्थान, MP, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में तेज हवा के साथ हुई हल्की बारिश। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया पेश। शूटर लवनेश, शन्नी और अरुण मौर्य को 4 दिन के रिमांड पर भेजा। इस मामले में प्रयागराज के शाहगंज थाना के 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। बता दें कि आरोपियों ने माफिया ब्रदर्स की पुलिस और मीडिया के सामने सरेआम गोली मारकर की थी हत्या। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल। बीजेपी के तमाम नेता रैली कर और कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर मांगेंगे भाजपा के पक्ष में वोट। पंजाब के हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में PPS अधिकारी राज सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। पंजाब के CM भगवत मान के आदेश पर आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। नौकरी से किया बर्खास्त, चिट्टे की तस्करी से अर्जित संपत्ति का पता लगाने के लिए विजिलेंस ने शुरू की जांच। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल गैंगस्टर अनमोल अमेरिका में आया नजर। मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस का है भाई। पंजाबी सिंगर करण और शहरीमान के शो में स्टेज पर सेल्फी लेते का वीडियो वायरल। 16 अप्रैल का बताया जा रहा है वीडियो। हरियाणा में जमीन बंटवारे के विरोध होंगे खत्म। प्रदेश सरकार बना रही कानून। 100 गांवों में चकबंदी का कार्य जल्द होगा शुरू। खाका तैयार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के दिए आदेश। हरियाणा की वर्ल्ड फेमस पर्वतारोही अनीता कुंडू अब नेपाल की माउंट मकाबू पर करेगी फतह। 8,481 मीटर ऊंची है नेपाल की ये चोटी। इससे पहले 3 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कर चुकी है फतह। बता दें कि 2001 में पिता की मौत के बाद अनीता ने खेलना छोड़ दिया था कबड्डी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहे सच कहूं हिंदी चैनल।